हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अविनाश। वेलकम टू लर्निंग फैक्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जगन्नाथ मंदिर की। 20 जून से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। यह रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है। वहीं शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस रथ यात्रा का समापन होता है। इस रथ यात्रा का आयोजन ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में होता है। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के महत्वपूर्ण चार धामों में से एक है। इन चार धामों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। इस जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी जगन्नाथ की बहन सुभद्रा जी की है। भगवान जगन्नाथ अक्सर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर जाया करते थे। उनके साथ उनके भाई बालभद्र भी होते थे। इसी तरह से एक दिन बहन सुभद्रा जी ने भगवान जगन्नाथ से नगर भ्रमण में जाने की इच्छा जाहिर की। भगवान जगन्नाथ ने सुभद्रा जी की बात मानी और उन्हें अपने साथ नगर भ्रमण के लिए ले गए। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा तीनों ही अलग अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। नगर भ्रमण करने के बाद यह तीनों अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं और वहाँ 7 दिन तक रहते हैं। इन 7ों दिन उनकी मौसी उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। तो इसी मान्यता के आधार पर हर साल भारत के जगन्नाथपुरी मंदिर में इस पर्व का आयोजन किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर मुख्य द्वार से शुरू होती है। इस दौरान तीनों रथों को एक साथ खड़ा किया जाता है। इसके बाद परंपरा के अनुसार पुरी के राजा रथों की सफाई सोने की झाड़ू से करते हैं और तीनों रथों की कई प्रकार से पूजा अर्चना कर इस यात्रा को आरंभ करते हैं। तीनों ही रथों का आकार व बनावट अलग अलग प्रकार की होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या 2 अन्य नाम गरुण ध्वज व कपिध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इस रथ की ऊंचाई 13.5 मीटर होती है व इसमें 16 पहिए लगे होते हैं। इस रथ को ढकने के लिए लाल पीले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इस रथ के रक्षक पक्षीराज गरुण व नृसिंह होते हैं। रथ पर लगे झंडे का नाम त्रिलोक की वाहिनी होता है। जय विजय नाम के 2 द्वारपाल भी इस रथ में होते हैं। इस रथ में 4 घोड़े लगे होते हैं जिनके नाम है शंख, बलाहक, श्वेत एवं हरिदाश्व। इस रथ के सारथी दारुक होते हैं। इस रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है उसे शंखचूर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं श्री बालभद्र जी के रथ की। श्री बालभद्र जी के रथ का नाम तालध्वज होता है जिसकी ऊंचाई 13.2 मीटर होती है तथा इसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इस रथ में लाल हरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इस रथ के रक्षक वासुदेव व सारथी मताली होते हैं। इस रथ की ध्वजा का नाम उनानी होता है। रथ को खींचने के लिए वासुकी नाम की रस्सी का उपयोग किया जाता है। इसमें नंद और सुनंद नाम के 2 द्वारपाल भी होते हैं। बालभद्र जी के रथ में 4 काले रंग के घोड़े लगे होते हैं जिनका नाम है त्रिभा, घोरा, दीर्घ शर्मा व स्वर्णवा। अब बात करते हैं बहन सुभद्रा जी के रथ की। बहन सुभद्रा जी के रथ का नाम देवदलम है। इसके अन्य 2 नाम दर्पदलन और पद्मध्वज भी है। यह रथ 12 मीटर ऊंचा होता है और इसमें 12 पहिए लगे होते हैं। इस रथ को ढकने के लिए लाल वह काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इस रथ के सारथी अर्जुन होते हैं व रक्षक जयदुर्ग होते हैं। इस रथ में 2 द्वारपाल गंगा व यमुना नाम के होते हैं। इस रथ में 4 घोड़े लगे होते हैं जिनके नाम हैं रोचक, मोचक, जिता व अपराजिता। इस रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है उसे स्वर्णचूड़ा कहते हैं। इस यात्रा में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह रथ यात्रा आगे बढ़ते हुए गुड़ीचा मंदिर तक जाती है जो कि भगवान जगन्नाथ जी की मौसी का घर कहलाता है। इस साल के जगन्नाथ रथ यात्रा का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। 20 जून को इस रथ यात्रा का आरंभ होता है। फिर इसी दिन भगवान जगन्नाथ को गुड़ीचा मंदिर लेकर जाया गया जहां पर भगवान 24 जून तक रहेंगे। इस प्रसंग को हेरा पंचमी कहा जाता है। इसके बाद 27 जून को संध्या दर्शन के लिए भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। 28 जून को बहुधा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस दिन भगवान जगन्नाथ की मंदिर में वापसी होगी। इसके बाद 29 जून को सोना बेसा कार्यक्रम किया जाएगा। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ शाही रूप में आएंगे। इसके बाद 30 जून को आधार पना कार्यक्रम होगा जिसके अंतर्गत पना नाम का एक पदार्थ का भोग भगवान जगन्नाथ को लगाया जाएगा।
सबसे अंत अर्थात 1 जुलाई को नीलाद्रि विजय नाम का कार्यक्रम होगा, जिसमें भगवान जगन्नाथ को वापस सिंहासन पर बैठाया जाएगा। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बालभद्र, इसके बाद सुभद्रा व सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इस रथ को जो भी श्रद्धालु खींचता है उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस रथ का निर्माण नीम की पवित्र और मजबूत लकड़ियों से किया जाता है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या धातुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। इन लकड़ियों की खोज जगन्नाथ मंदिर की स्पेशल कमेटी के द्वारा की जाती है। लकड़ियाँ प्राप्त हो जाने के बाद इनका चयन मंदिर के पुजारी करते हैं। फिर कारीगर सोने की कुल्हाड़ी से इन लकड़ियों पर कट लगाते हैं। इन लकड़ियों पर कट लगाने से पहले सोने की कुल्हाड़ी का स्पर्श मंदिर की मूर्तियों से कराया जाता है। इन रथों को बनाने में 2 महीनों का समय लगता है। यह प्रक्रिया बसंत पंचमी से शुरू होकर अक्षय तृतीया के बाद 2 महीनों तक चलती है। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति लकड़ी और गोल्ड से बनी होती है। इन मूर्तियों की भुजाएं नहीं होती। इन मूर्तियों को अधूरी ही बनाकर मंदिर में स्थापित किया जाता है। इसके पीछे की कहानी यह है कि पुरी के राजा को समुद्र के पानी में तैरते हुए एक लकड़ी प्राप्त हुई थी। राजा के मन में इस लकड़ी से मूर्तियां बनाने का विचार आया। इसके लिए उन्होंने एक मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने एक शर्त रखी कि वह मूर्तियां बंद कमरे में बनाएगा और मूर्तियां बनाते हुए उसे कोई भी नहीं देखेगा। जब कई महीने बीत जाते हैं, मूर्तियां नहीं बन पाती है, तो राजा रानी इसकी जांच करने के लिए उस कमरे पर जाते हैं। दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो उस कमरे में कोई नहीं होता और मूर्तियां भी अधूरी बनी हुई होती है। राजा रानी बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अब यह मूर्तियां कैसे पूरी होगी। तभी एक आकाशवाणी होती है और उन्हें सुनाई देता है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान ऐसे ही स्थापित होना चाहते हैं। तो इसी कहानी को मानते हुए तब से ही ये मूर्तियां अधूरी बनाकर मंदिर में स्थापित की गई हैं। यह मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। चूंकि मूर्तियां लकड़ी से बनी होती है तो उनके ख़राब होने का डर रहता है। नई मूर्तियों को स्थापित करते समय पूरे शहर की बत्ती गुल कर दी जाती है और यह कार्य करते समय मंदिर में केवल एक ही व्यक्ति रहता है। पुजारी अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है और हाथों को भी कपड़े से ढक लेता है। इसके बाद ही वह मूर्ति का श्रृंगार करता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति यह सब करते हुए देख लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। रथ यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ 15 दिन एकांत में रहते हैं। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी श्रद्धालु या भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाता है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्तियों को बाहर लाया जाता है और पूर्णिमा स्नान के बाद 15 दिन के लिए वे एकांतवास में चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा स्नान में ज़्यादा पानी में नहाने की वजह से भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए वे 15 दिनों के लिए एकांत में रहते हैं। इस दौरान उनका उपचार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका अंतिम संस्कार होने के बाद उनका शरीर तो पूरा राख हो चुका था, लेकिन उनका हृदय तब भी धड़कता रहा। तब इस हृदय को पानी पर फेंक दिया गया। यह दिल पानी में बहते हुए पुरी के किनारे तक पहुँच गया। ऐसा माना जाता है कि यही हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में सुरक्षित है। इस हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चोट गंग देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुशैली में कराया गया है। यह एक महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिर है जो कृष्ण के रूप जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मंदिर 20 फीट की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों के नाम मेघनाथ, पचीर व कुर्मा भेदा है। इस मंदिर के 4 द्वार हैं। सबसे पहला द्वार है पूर्वी सिंह द्वार, जो कि 2 झुके हुए शेरों वाला मुख्य द्वार है। दूसरा द्वार है दक्षिणी अश्वद्वार। तीसरा द्वार है पश्चिमी व्याघ्र द्वार और चौथा द्वार है उत्तरी हस्ती द्वार। मुख्य मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है और मंदिर के शिखर पर लगा हुआ ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यह मंदिर पंचरत्न शैली का उत्कृष्ट नमूना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।